हथियारों में हमेशा ही चर्चित पटौदी फैमिली चर्चा का विषय बनी रहती है। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि बॉलीवुड की नवाब सैफ अली खान बेबो करीना कपूर खान और अपने दोनों ही लाडली बेटों के साथ काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। सैफ अली खान और करीना कपूर खान हमेशा ही कपल गोल्स देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बात से भी सभी वाकिफ हैं कि करीना सैफ की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी रही है उनकी मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह। अमृता सिंह के साथ रिश्ते को लेकर सैफ अली खान ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। दोनों ही एक दूसरे को कुछ समय तक डेट किए थे और फिर शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन ये शादी महज कुछ सालों तक ही चल पाई। शादी के कुछ सालों बाद दोनों की राहें अलग हो गई। साल 2004 में अमृता और सैफ एक दूसरे से तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। दोनों के तलाक की वजह कई बार सामने आई है। कई बार दावा किया गया है कि सैफ और अमृता का तलाक इन वजह के चलते हुआ था, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो और भी ऐसे कई किस्से हैं जो दोनों के तलाक से जुड़े हुए हैं। आज एक बार हम फिर से बात करेंगे सैफ और अमृता के रिश्ते के बारे में, उनके तलाक के बारे में, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे अमृता सिंह के उस रिश्ते के बारे में जहाँ एक तरफ अमृता सिंह ने पटौदी फैमिली में कई लोगों का दिल जीता, जहाँ एक तरफ अमृता सिंह आज भी बेहतरीन बॉन्ड शेयर करती हैं सैफ की बहन सबा अली खान के साथ। लेकिन बात की जाए यहाँ पर उनकी सासुमा यानी कि दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बारे में, शर्मिला के साथ उनका रिश्ता कैसा रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांश राठौर। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह के रिश्ते के बारे में। हम बात करेंगे जब अमृता ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि आखिरकार वह शर्मिला के साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटौदी खानदान की लाडली प्यारी बेटी नवाब सैफ अली खान आज के समय में काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। करीना कपूर खान और सैफ अली खान हमेशा ही कपल गोल्स देते हुए दिखाई देते हैं। सैफ और करीना साल 2012 में शादी के बंधन में बंधे थे और आज के समय में दो बेटों तैमूर और जहांगीर के पेरेंट्स हैं। अपने दोनों ही बेटों के साथ अक्सर कहीं ना कहीं स्पॉट किए जाते हैं और बेटों के साथ बेहतरीन और आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं इस बात से भी सभी वाकिफ हैं कि सैफ अली खान की दूसरी पत्नी है करीना कपूर खान। साल 1991 में सैफ अली खान शादी के बंधन में बंधे थे मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया और बाद में शादी के बंधन में बंध गए। सैफ और अमृता के रिश्ते से हर कोई वाकिफ रहा है। सैफ और अमृता कुछ सालों तक एक दूसरे के साथ रहे। आपको बता दें 3 महीने तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और परिवार वालों से छुपकर गुपचुप तरीके से शादी भी रचा ली। बता दें आपको सैफ और अमृता अपने एज डिफरेंस को लेकर काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करते हुए भी देखे गए थे। दोनों के बीच तकरीबन 12 साल का एज डिफरेंस रहा। शादी के बाद दोनों दो बच्चों के पेरेंट्स बन गए, लेकिन ये शादी महज 13 साल तक ही चल पाई और साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया। सैफ आज के समय में करीना के साथ अपने दोनों बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं अमृता सिंह मुंबई में एक आलीशान घर में अपनी बेटी सारा अली खान और बेटे इब्राहिम अली खान के साथ रहती हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि सैफ और करीना अमृता और सारा के साथ भी बेहतरीन बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते हैं। एक पिता की जिम्मेदारियों को सैफ बखूबी निभा रहे हैं। वहीं करीना कपूर भले ही सारा और इब्राहिम की सौतेली माँ है, लेकिन बहुत ही प्यार करती हैं सारा और इब्राहिम से। तमाम वीडियोस और तमाम तस्वीरों को देखकर जाहिर होता है।
लेकिन यहाँ पर बात की जाए अमृता सिंह और दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बारे में। शर्मिला टैगोर जो करीना कपूर खान से बेहद प्यार करती हैं। करीना और सैफ पर जहाँ एक तरफ वह भरपूर प्यार लुटाती हुई नजर आई हैं, वहीं अक्सर लोगों के मन में सवाल ये भी उठा कि जिस तरीके से सैफ और अमृता ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली, परिवार वालों से छिप कर उन्होंने शादी की, तो वहीं शर्मिला के साथ अमृता का बॉन्ड कैसा रहा। हम आपको बताने जा रहे हैं शर्मिला टैगोर और अमृता सिंह के रिश्ते के बारे में। शर्मिला टैगोर आखिरकार अमृता सिंह की कैसी सास बनी? अमृता ने इस बात का खुलासा खुद किया था। तलाक के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका रिश्ता कैसा रहा अपनी सासूमा दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ। दरअसल आपको बता दें, अमृता ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वह हमेशा ही सैफ से कहा करती थी कि वह घर पर उन्हें शर्मिला टैगोर के साथ अकेला छोड़कर ना जाएं, क्योंकि उनके लिए ये काफ़ी तनावपूर्ण हो जाता है। सैफ और अमृता ने जहां एक तरफ गुपचुप तरीके से शादी रचाई थी, घर वालों को बिना बताए ही वह शादी के बंधन में बंध गए थे, वहीं खबरों की माने तो शर्मिला टैगोर बहू के तौर पर अमृता सिंह को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। इस तरह से अमृता सिंह ने बताया कि आखिरकार शर्मिला टैगोर के साथ उनका रिश्ता कितना खराब रहा। दरअसल आपको बता दें कि गुपचुप तरीके से सैफ और अमृता ने शादी रचाई, दोनों ही परिवार के सदस्य उनके खिलाफ रहे और इसी वजह से ससुराल पक्ष का रवैया अमृता के लिए पॉजिटिव नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि दोनों की उम्र में अंतर होने के चलते शर्मिला टैगोर नाराज रही अपने बेटे सैफ से और बहू के रूप में अमृता को वह स्वीकार तक नहीं कर पाई। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि सैफ अली खान ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि अमृता का व्यवहार उनके और उनके परिवार के प्रति बदल गया था, इसलिए तलाक का फैसला लेना पड़ा। बाद में सैफ और करीना एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। जहां एक तरफ अमृता और सैफ अलग हो गए आपसी सहमति से तलाक लेकर, लेकिन अमृता को भले ही शर्मिला टैगोर एक्सेप्ट ना कर पाई हो, लेकिन वह सारा अली खान और इब्राहिम अली खान से बेहद प्यार करती हैं। दोनों ही बच्चे उनके बेहद करीब हैं और अक्सर पटौदी पैलेस में शर्मिला टैगोर के साथ वक्त बिताते हुए नजर आते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज भी पटौदी फैमिली के सदस्य अमृता सिंह के साथ कहीं ना कहीं बेहतरीन बॉन्ड शेयर करते हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि सैफ अली खान की बहन शर्मिला टैगोर की बेटी सबा अली खान काफ़ी बेहतरीन बॉन्ड शेयर करती हैं अमृता के साथ। दरअसल अमृता सिंह ने हाल ही में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। 64 इयर्स की हो चुकी हैं अमृता सिंह और जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई संदेश मिला है सबा अली खान की तरफ से। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सबा ने सोशल मीडिया पर अमृता के साथ की खूबसूरत तस्वीरों को शेयर किया है, अपनी एक्स भाभी अमृता सिंह को जन्मदिन विश किया है। पुरानी तस्वीरों को शेयर करते हुए वह लिखती हैं, मैं 16 साल की थी, थोड़ी सी बड़ी और तुम पागल, हमेशा मेरा सपोर्ट बनने के लिए थैंक यू। इस तरह से सबा ने अमृता को थैंक यू कहा और रेड हार्ट इमोटिक शेयर किया और जन्मदिन की बधाई भी दी। इस तरह से देखा जाए तो अमृता सिंह भले ही सैफ से अलग हो चुकी हो, लेकिन आज भी वह पटौदी फैमिली के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर करती हैं। आप सभी ने देखा जाना पटौदी फैमिली के बारे में। पटौदी फैमिली के सदस्य जो आज भी कहीं ना कहीं अमृता से जुड़े हुए हैं, आज भी अमृता के टच में बनी हुई हैं सबा अली खान, और ये बॉन्डिंग जाहिर करती है कि अमृता सिंह आज भी सभी के दिल के करीब है। वेल, आप क्या कहते हैं अमृता सिंह के बारे में, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।